नमस्कार, मैं रतिका गुसाई आप सभी का स्वागत करती हूँ IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डी में। आज के दिन पूर्वी कोलंबिया में 1985 में ज्वालामुखी फटने के कारण मारे गए थे करीब 23,000 लोग। पूर्वी कोलंबिया में ज्वालामुखी में भीषण विस्फोट हुआ, इससे कई इलाकों में भारी तबाही मची थी। 80 वर्ग किलोमीटर इलाके में राख ही राख नजर आ रही थी। इससे करीब 23,000 लोग मारे गए थे। सबसे ज्यादा नुकसान तोलिमा प्रांत के दूसरे बड़े शहर आर्मेरो में हुआ। 1902 में कैरिबियाई द्वीप मार्टिनक के पर्वत मॉट पेली के फटने के बाद ये दूसरी बड़ी घटना थी। उस धमाके में 29,000 लोग मारे गए थे। 1985 में ज्वालामुखी फटने के बाद ये पर्वत नेवाडो डेल रुइस कई साल तक सक्रिय रहा। 1991 और 1992 में फिर ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि मुक्तिबोध गजानन माधव का जन्म आज के दिन 1917 में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 को ग्वालियर में हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध की प्रसिद्ध प्रगतिशील कवि के रूप में थे। गजानन माधव मुक्तिबोध हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि, आलोचक, निबंधकार, कहानीकार तथा उपन्यासकार थे। उन्हें प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच का एक सेतु भी माना जाता है। 1985 में राजकमल से पेपरबैक में 6 खंडों में मुक्तिबोध रचनावली प्रकाशित हुई। वो हिंदी के लेखकों की सबसे तेजी से बिकने वाली रचनावली मानी जाती है। 11 सितंबर 1964 को नई दिल्ली में मुक्तिबोध की मृत्यु हो गई। कहानीकार, गद्य गीत लेखक राय कृष्णदास का आज के दिन 1892 में हुआ था जन्म। राय कृष्णदास का जन्म 13 नवंबर 1892 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। राय कृष्णदास कहानी सम्राट प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार और गद्य गीत लेखक थे। इन्होंने भारत कला भवन की स्थापना की थी, जिसे वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दे दिया गया। आज भारत कला भवन शोधार्थियों के लिए किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। राय कृष्णदास को साहित्य वाचस्पति पुरस्कार तथा भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण की उपाधि मिली थी। पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह का आज के दिन 1780 में हुआ था जन्म। महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के राजा थे। वे शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पंजाब को एक सशक्त सूबे के रूप में एकजुट रखा। बेशकीमती हीरा महाराजा रणजीत सिंह के खजाने की रौनक था। 1839 में हुई उनकी मौत के 10 वर्ष के बाद 30 मार्च 1849 में पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया के कब्जे में चला गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 13 नवंबर दिन शनिवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है आध्यात्मिक। मेष, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। शेयर या नई प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए समय शुभ है। आपके कार्य सरलता से पूर्ण हो जाएंगे। आपके शत्रु पराजित होंगे। किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। मित्रों से एवं भाई से सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग आसमानी बसंती तथा निषेध रंग पीला लाल। वृष, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 74%। कारोबार में भी इजाफा होगा। शेयर बाजार आपको मुनाफा दे सकता है। आमदनी बढ़ने से धन लाभ होगा। आपके कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। घर में अतिथि के आने के योग हैं। शुभ रंग सफेद, नीला, काला तथा निषेध रंग पीला सिंदूरी। मिथुन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। व्यायाम करें और ऊर्जावान बने रहें। प्रॉपर्टी से संबंधित काम करने वालों को उत्तम लाभ होने के संकेत हैं। स्वास्थ्य में सुधार के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। कर्क, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 62%। प्रोफेशन में बदलाव के संकेत हैं। स्थानांतरण के योग हैं। आपकी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। आर्थिक स्थिति प्रभावित होने के योग हैं। शुभ रंग काला सफेद तथा निषेध रंग हरा लाल। सिंह, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 44%। सफलता प्राप्ति की संभावनाएं निश्चित हैं। कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन पाएंगे। मानसिक चिंताओं का समाधान मिलेगा। यात्रा के योग बन रहे हैं। मित्रों एवं भाई बंधुओं के सहयोग प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग काला तथा निषेध रंग लाल।
कन्या आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिश्रम को बौद्धिकता का साथ मिलेगा, आपके सोच विचार में गहनता आएगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, कुछ व्यर्थता का अनुभव आपको हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं, शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला, सफेद। तुला, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, समय अनुकूल रहेगा, व्यवसाय में धन निवेश के अवसर आएंगे, ऑफिस घर सभी जगह आपके लिए सुखकारक होगी। कार्य क्षेत्र में बाधाएं दूर होने के योग हैं, किंतु सावधानी अपेक्षित है। शुभ रंग सफेद, काला तथा निषेध रंग पीला, गुलाबी। वृश्चिक, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53% और खान पान का ध्यान रखें। उपलब्धियों के अर्जित होने का समय है, बेरोजगारी दूर होकर प्रसन्नता रहेगी। अनावश्यक खर्चों के योग हैं, शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग भूरा। धनु, आपकी आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 52%। बाहरी आमदनी आने से आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, आवेश में आकर कोई निर्णय ना लें, लक्ष्य प्राप्ति का सतत प्रयास करें। समय धीरे धीरे आपके अनुकूल पक्ष में हो रहा है, परिजन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता के योग हैं। शुभ रंग बसंती, सलेटी तथा निषेध रंग काही, हरा। मकर, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 79%। परिजनों से संबंधित कोई चिंता परेशान कर सकती है, डरे नहीं अपितु अपने ऊपर भरोसा रखें। आपकी प्रतिभा खुलकर सामने आएगी, कार्यशीलता में भी वृद्धि होगी, करियर में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग लाल, पीला। कुंभ, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 80%। नौकरी पेशा वर्ग के लिए महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने का अवसर मिलेगा, मानसिक व्याकुलता का अंदेशा है परंतु पुनः जोश में आ जाएंगे। वैवाहिक योग बन रहे हैं, सफलता भी प्राप्त होगी। करियर में अनुकूलता के योग हैं, शुभ रंग नीला, काला, हरा तथा निषेध रंग पीला, लाल, गुलाबी। मीन, आपके आध्यात्मिकता के लिए भाग्य 53%। भाग्य आपके साथ है, घर में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, किसी अनुभवी से सलाह लेकर ही कोई कार्य करें। कारोबार में अपेक्षित लाभ प्राप्त होने से मन में प्रसन्नता बने रहने के योग हैं। शुभ रंग बसंती, सलेटी तथा निषेध रंग हरा, जामुनी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय प्रातः 8:52 से लेकर प्रातः 10:37 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983-706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।